ये देखिए, लेबरर्स ने जो अपनी हट बनाई है यहाँ पे बीन नदी के पास में, उसी स्टाइल में तार लगाए हैं, जाली लगाई है, जैसे हमने केज कैंपिंग की थी कि रात को हवा आती रहे और जानवर ना पाए, उसका इंतजाम इन लोगों ने किया है। दोस्तों, इस जगह का नाम है सिमली। ये कर्णप्रयाग से 5 किलोमीटर है गैरसैंण रोड पे। जब आप कर्णप्रयाग से नैनीताल जाओगे तो ये जगह मैं यहीं पे रात रुक गया था, क्योंकि मैं गैरसैंण जा रहा था, अपने जंगली रिजॉर्ट से आया था। रात के 8 बज गए थे, मैंने कहा यहीं रुक जाओ क्योंकि 10 बज जाएगा तो होटल वगैरह बंद हो जाएंगे। तो ये रावत भोजनालय है, रुद्रा लॉज है इसके ठीक सामने है। तो कल इनके यहाँ खाना खाया भाई साहब के यहाँ, बहुत बढ़िया चटनी है। आपको पता है मेरे को चटनी कितनी पसंद है। तो फिर इन्हीं के यहाँ मैंने पराठे खाए, तो बिल्कुल स्पेशल उत्तराखंडी चटनी है इनके यहाँ। ये देखो आप, मैंने तो बहुत सब्जी की तरह से खाई चटनी। तो ये है भैया रंजीत सिंह रावत जी, इनकी चटनी तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप कभी यहाँ से जा रहे हो, कर्णप्रयाग से नैनीताल जा रहे हो, तो सिमली में जरूर रुकना, रुद्रा लॉज के ठीक सामने है। और इनके पराठे और कुछ नहीं, कोई भी खाना खाना, चटनी जरूर खाना इनकी, दिल खुश हो जाएगा आपको। इनके ही होटल में बैठे हुए हैं रुद्रा लॉज के जो मालिक हैं। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम हिमांशु मैठानी। हिमांशु मैठानी। तो भैया आप वो बता रहे थे जो उत्तराखंड में पहले लोग गाली देते थे, वो किसका बताओ जरा। पहले क्या होता था कि उत्तराखंड में खेतों में गाय भैंस चली जाती थी, तो लोग गाली देते थे कि तेरे खेत में बजर पड़ जाए या खेती बंजर हो जाए। तो आज वो गाली हकीकत में काम कर गई, सारे लोग देहरादून प्लान बस गए, तो इस कारण यहाँ पे सारी खेती बाड़ी सारी बंजर हो गई, गाली काम कर गई। और गवर्नमेंट ने यहाँ बंदर फेंक दिए, सुअर फेंक दिए, बाघ फेंक दिए। बाघ यहीं इसी होटल में आ रहा रावत जी के यहाँ पे। हाँ, वो बाघ कहाँ पे आया था? बाघ यहाँ पे आया था, ये जहाँ पे बर्तन लगे पटेले। अच्छा, तो कुत्ता पकड़ने आ गया था। तो अब ऐसा आतंक हो गया बाघों का कि रहना भी शाम सुबह मुश्किल हो गया बाहर आना। तो आपको आवाज आती है रात को? हाँ, 24 में बाघ है, आते ही आते हैं रात को। कुत्ते पकड़ ले जाते हैं? कुत्ते ले जाते, गाय पकड़ के ले जाते। अब तो कई गाँव में तो इंसान को भी खाने बैठ गए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या हो गया कि अब बाघ का ज्यादा आतंक हो गया है, तो प्रॉब्लम यही है। अच्छा, खेती वगैरह क्यों नहीं हो रही है? ये बंदरों के कारण, जंगली सुअर, और जो गवर्नमेंट 2 रुपया राशन दे गई, इसके कारण लोग खेती बाड़ी छोड़ गए और कुछ लोग प्लेनों में बस गए, प्लेन हो गए, इसी कारण खेती बाड़ी। बंदर कहाँ से आ रहे हैं? ये बंदर गवर्नमेंट ने ऋषिकेश से या हरिद्वार से पकड़ के यहाँ छोड़ दिए। अब इनको फिर दोबारा पकड़ के कर्णप्रयाग के पकड़ के सिमली छोड़ दिया, सिमली के पकड़ के कर्णप्रयाग छोड़ दिया। तो ये अब ऐसे चल रहा है। उपाय है कुछ? उपाय ये है, इनकी नसबंदी करा जाए, बाकी इनको छोड़ दिया जाए, मारा ना जाए इन्हें। बस ये हमारा बजरंग बली है, तो इसलिए इनको मारा ना जाए, नसबंदी करके इनकी आबादी कम करी जाए। दोस्तों, ये है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के अंदर आता है नोटी चाय बागान। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये उंगली की सीध में, ये चाय के बागान हैं, जैसे कौसानी में होते हैं। ये देखिए, इस बोर्ड के ऊपर पूरे चाय के बागान दिख रहे हैं। यहाँ की ब्यूटी देखिए, इस तरह का नज़ारा है, दूर दूर तक पहाड़ है। जगह जगह चाय के बागान मिलेंगे आपको पूरे रास्ते में। इस जगह का हेडक्वार्टर्स है धारानोला, ये अल्मोड़ा जिला है। और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दार्जिलिंग में, आसाम में, साउथ में, मुन्नार में चाय मिलती है, उत्तराखंड में कौसानी में भी चाय के बागान हैं, और इस बेल्ट में भी हैं। ये जो गढ़वाल को कुमाऊं से जोड़ती है बेल्ट, जिस रोड पे अभी मैं चल रहा हूँ, कर्णप्रयाग से गैरसैंण होते हुए नैनीताल जाने वाली रोड, इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर गांव है। हालांकि इस रोड पे पहली बार आया, मैंने पूरा उत्तराखंड घुमा हुआ है लेकिन इस रोड पे कभी नहीं आया था। और ये चाय के बागान यहां तो आपको पेड़ों के पीछे दिख रहे हैं, बहुत सारी जगह में खुले में थे, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ आज, हर जगह गाड़ी नहीं रोक रहा। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, अगर आपको कभी मौका लगे, छोटे छोटे होम स्टे हैं, लॉज भी हैं, यहाँ रुकने की भी जगह मिल जाएंगी आपको, और सस्ते होटल हैं यहाँ पे, कोई महंगे नहीं है। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है बांझ का पेड़। अगर जिम कॉर्बेट की कहानियों में आता है, बांझ के पेड़ पे वो बैठे थे। अगर आप देखोगे पनार मैनीटर में भी, जो झुका हुआ पेड़ था, बांझ का पेड़ था। ये सारे पेड़ बांझ के हैं, ओक ट्री, भालू का फेवरेट होता है, और ये पानी को स्टोर करके रखता है। जैसे ये पेड़ पहाड़ की मिट्टी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ये पानी को जमा करके रखता है। पाइन का पेड़, जो चीड़ का पेड़ होता है, वो अच्छा नहीं माना जाता। और ये जो पेड़ देख रहे हैं दोस्तों, ये है देवदार का पेड़। ये 7000 फीट से अबव होता है, ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है इसकी, देवदार की। ये भी सारे बांझ के पेड़ हैं, यहाँ पे चीड़ के पेड़ नहीं है,
जब चीड़ का पेड़ आ जाएगा तो बाकी सारे पेड़ वो धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पत्ते गिरेंगे और ये, लेकिन यहाँ जितने भी पेड़ मैं देख रहा हूँ सब या तो देवदार है या फिर ओक है, यानी कि बांझ। और ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये है राम बांस, ये जो झाड़ी की तरह से है। ये दोस्तों मैं आ गया गैरसैंण इलाके में, जगह भराली सैंण। तो ये सामने दिख रही है विधानसभा, इसी में 70 विधायकों का आवास है, मुख्यमंत्री आवास है। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। पीछे देखिए कितना खूबसूरत नजारा है बादलों का। ये हेलीपैड है जहां मैं खड़ा हूं। तो जो ग्रीष्मकालीन सत्र होता है विधानसभा का, तब विधायक लोग, मुख्यमंत्री महोदय सब यहीं पे रहते हैं। उसके बाद देहरादून राजधानी है विंटर्स की। तो ये दो राजधानी उत्तराखंड की, पहले भी सिस्टम अंग्रेजों के जमाने में था, शिमला जो थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और दिल्ली शीतकालीन राजधानी थी। तो उसी सिस्टम पे ये गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। ये देखिए नजारा, बिल्कुल हम हिल टॉप पे हैं, सामने खूबसूरत पूरे पहाड़ दिख रहे हैं और एकदम पहाड़ की चोटी पे हम समिट के ऊपर खड़े हैं। ये सामने सारे ग्लेशियर्स नजर आ रहे हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, पहले पहाड़ उसके ऊपर बर्फ और उसके ऊपर बादल, बहुत ही बढ़िया नजारा है। एशिया की सबसे ऊंची राजधानी है 2305 मीटर। अगर आप मीटर को फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं 3.28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस हाइट पे कहीं भी कोई भी कैपिटल नहीं है। दोस्तों जहाँ पे गैरसैंण वाली विधानसभा है वहाँ एक चौराहा है, उसको इस जगह को बोलते हैं दिवाली खाल। बिल्कुल दिवाली खाल के ऊपर ही ये ढाबा है, यहाँ मैं खा रहा हूँ और मेरी फेवरेट चटनी, पहाड़ की चटनी की बात ही निराली है। ये देखिए दोस्तों जंगल में आग लगी हुई है, ये मैं कॉर्बेट की तरफ जा रहा हूँ गैरसैंण से, तो रास्ते में पूरे इलाके में आग लगी हुई है। ये गर्मियों में हमेशा लगती है और एक लाइन से चलती है, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करती लेकिन घास वगैरह जल जाती है और वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है। पेड़ तो नुकसान नहीं होता उतना लेकिन वाइल्ड लाइफ को बहुत नुकसान होता है, पैनिक कर जाते हैं जानवर, बहुत सारे जानवर जल भी जाते हैं इसमें। ये इस तरफ चल रही है, आगे से बुझ चुकी है और जो बुझ चुकी है वो देखिए वहां पे धुआं उठ रहा है। ये कुमेरिया का जंगल आ गया, कुमेरिया के बाद है मोहान, यानी टाइगर का इलाका चालू हो चुका है। अच्छा अभी रोड बन गई है, बीच में जब मैं आया था एक दो बार तो रोड बन रही थी, जगह जगह वो रोड रोलर चल रहे थे, तो अब रोड बन गई है एकदम। जो इतने गड्ढे थे इस रोड में ना कि गाड़ी चलाना मुश्किल होता था, अब वो प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्मूथ रोड हो गई है। दोस्तों अभी डियर की कॉलिंग हो रही है, तो मैं अभी आ गया था गैरसैंण से शाहविला, अब सुसाइड पॉइंट की तरफ एक बार राउंड मारने जा रहे हैं, देखते हैं। अच्छा ये एक अपडेट ये है जो कि मैं भी मैंने पहले भी दिया था कि रोड बन गई है, जो ये रोड बड़ी इरिटेट करती थी ना इसमें गड्ढे, अब वो सही रोड हो गई है, तो ड्राइव करने में आसानी है। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि फॉरेस्ट वाले रोड इसलिए नहीं बनने देते कि लोग तेज ड्राइव ना करें, मुझे पता था ये रीज़न नहीं है, क्योंकि अगर ये रीज़न होता तो उसके बदले वो स्पीड ब्रेकर बना देते, रोड को तो बनने देते, क्योंकि इमरजेंसी में रोड ना होना फिर रोड को तोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं था। वही बात हुई क्योंकि रोड बन गई है। अब ये जो गाड़ी चला रहे हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप वाइल्ड लाइफ के इलाके में गाड़ी चला रहे हो, पर्सनल कार वाले तो ठीक है वो तो ध्यान से ही चलाएंगे, ट्रक वगैरह भी जो चल रहे हैं क्योंकि ये हाईवे है, ये पूरा कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाली रोड है, ये कुमाऊं बेल्ट है, आगे जाके इसी रोड में गढ़वाल आ जाएगा, ये रोड आप सीधे चलते जाओगे आप कर्णप्रयाग बद्रीनाथ भी पहुंच सकते हो, तो बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है, रोड नहीं बंद की जा सकती, लेकिन जो लोग चलें थोड़ा सलीके से चलें, थोड़ा समझदारी से चलें।
टाइगर सामने बैठा है, ग्राउल कर रहा है। यही सामने यही बैठा हुआ टाइगर, है तो इन झाड़ियों में भाई। यहाँ भी है नहीं, ये तो सांभर है, ये सांभर कॉल कर रहा है, डर गया उसकी आवाज सुन के। अभी टाइगर, एक टाइगर तो नीचे है, चुकम गांव के ठीक सामने वाला जो डेल्टा है, मतलब जो सुसाइड पॉइंट जिसको बोलते हैं, इस रोड पे शाहविला से थोड़ा ही आगे है, वहां से आवाज आ रही थी, मैं रुक के देखा तो कॉल हो रही थी, और नीचे जो डेल्टा था उससे टाइगर के ग्राउल साउंड आ रही थी, शायद इसमें रिकॉर्ड भी हुई होगी, लेकिन उस टाइगर के अभी रोड पे आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वो नीचे ही शिकार करेगा, वहीं से सांभर डियर की कॉल हो रही है, रोड पे नहीं आएगा वो। तो रोड पे जो आएगा, देखिए बाइकर्स वापस रात को ट्रैवल करने शुरू हो गए, रोड पे जिसके आने की संभावना है वो दूसरा टाइगर होगा। ये ट्रक है कि बस है, काफी बड़ा है, जो भी है, डंपर था एक्चुअली। दोस्तों डियर का एक आदत होती है, अभी जैसे सामर डियर बार बार कॉल कर रहा था, पहले स्पॉटेड डियर ने भी किया और सामर डियर भी लंबी वाली कॉल कर रहा था, जो गधे की तरह से आवाज होती है ना वो, मतलब जो एक सिंगल कॉल होती है पॉम वो वाली तो होती है, उससे भी ज्यादा जब वो डरा होता है तो तीन बड़ी आवाज निकालता है खींच के गधे की तरह, मतलब पूरे साउंड से वो निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि, लेकिन मैं वो लंबी साउंड खींचता है तीन बार, जैसे गधा रेख रहा हो, सांभर डियर अगर गधे की तरह रेख है आप समझ लो। इसमें इनकी आदत क्या होती है दोस्तों, कि अब एक डियर को खतरे का आभास हो गया, तो जब वो खतरे का आभास होगा कॉल करने, जब तक वो कॉल करेगा तब कॉल तो बाकी सारे लोग भी सुन लेंगे, सारे डियर भी सुन लेंगे, डियर से रिलेटेड और जितने भी हर्बीवोरस हैं आसपास ही रहते हैं, अगर बंदर भी पास है, स्पॉटेड डियर भी है, बार्किंग डियर भी है, सांभर डियर भी है, तो जब तक उसने कॉल नहीं किया तो क्या करते हैं ये क्या करते हैं, पहली बात तो इनको सात डियर चल रहे हैं तो कॉल तो बहुत बाद में करेगा, इसके पहले इनकी सबकी आदत क्या होती है, कभी आप देखना टीवी में या डिस्कवरी चैनल पे या कहीं पे भी, कि एक ये ट्रक निकल जाए आगे, एक जानवर जैसे ही अपना सर उठाएगा दूसरा बगल वाला भी अपना सर उठाएगा, उसे पता है कि इसने सर उठाया है जरूर कोई पंगा है। अच्छा, वो जरूरी नहीं कि वो मान लीजिए स्पॉटेड डियर ने सर उठाया तो सांभर डियर भी उठाएगा, दोनों की ब्रीड अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें एक बात मालूम है कि भाई इसने सर उठाया है कोई तो बात है। ऐसे इनकी चलने की आदत होती है, अगर एक हर्ड है, हर्ड में एक चलेगा दूसरा अपने आप चल देगा, अगर एक खाना खा रहा है सारे खाना खा रहे हैं उसमें से एक चल पड़ेगा तो दूसरे भी चल पड़ेंगे, ये इनकी आदत होती है हर्बीवोरस की। उसमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो चल पड़ा वो कौन है, हाँ चल फॉलो करते वक्त तो ये अपने हर्ड को फॉलो करते हैं, लेकिन सिर उठा के देखना में एक ने किया, हाँ अब उसके बाद एक खतरा देखेगा जैसे ही वो कॉल करेगा, कॉल करने के पहले वो दो चार साइंस बनाएगा, डियर अपनी पूंछ उठाएगा, अपने पैर को टैप करेगा और इसको सारे लोग समझ जाएंगे। स्पॉटेड डियर ने अगर अपनी पूंछ उठाई ना तो सांभर डियर समझने में देरी नहीं करेगा, वो भी समझ जाएगा, पीकॉक ने कॉल करी तो भी सारे समझ जाएंगे, लंगूर ने कॉल करी तो भी सारे समझ जाएंगे। अच्छा, इस इलाके में जहां अभी हम चल रहे हैं मोहान, यहां पर इस वक्त 6 टाइगर बड़े एक्टिव हैं, पहले 8 टाइगर एक्टिव थे, 2 पकड़ लिए गए, तो
अच्छा दूसरी बात, आज मैं सुबह लखपत सिंह रावत जी का इंटरव्यू ले रहा था, पहले वो वीडियो आ जाएगा लखपत सिंह रावत जी का, उसके बाद ये वीडियो आएगा आपके पास। उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कई केसेस देखे जहां लेपर्ड भी तीन तीन चार चार मेल साथ में काम कर रहे हैं टाइगर का भी। एक किस्सा मैंने भी उसी इंटरव्यू के दौरान बताया था, राजा जी नेशनल पार्क में चार टाइगर अडल्ट एक साथ चल रहे हैं, उनमें कोई भी किसी का बच्चा नहीं है। तो मैंने कई बार बताया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यानी कि जब टाइगर को लगा कि भाई अकेले हमें शिकार करने में मुश्किल हो रही है तो क्यों ना हम लायन की तरह से काम करना शुरू कर दें, तो उन्होंने लायन की तरह से काम करना शुरू कर दिया। अब वो साथ में मिलकर शिकार कर रहे हैं। अच्छा जब ये टाइगर लायन की तरह से शिकार करना इसने शुरू कर दिया है, सारे नहीं लेकिन कुछ कुछ टाइगर ऐसा करना शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे ये टेंडेंसी सब में आ जाएगी तो और ज्यादा खतरनाक बन जाएगा, क्योंकि लायन ज्यादातर काम नहीं करता, वो आराम करना पसंद करता है। टाइगर या टाइगरस कोई भी हो, आराम तो बहुत देर करते हैं, पूरे टाइम ये आराम ही करते हैं। जब ये शिकार नहीं कर रहे होते तो ये आराम कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी ताकत संजो के रखनी होती है। अगर ये अपनी ताकत बचाएंगे नहीं तो कैसे हमला करेंगे। जब ये दौड़ते हैं और जब इनको लगता है कि शिकार उनके काबू में नहीं आने वाला तो छोड़ देते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इनके पास एनर्जी तीन चार हमलों की ही एनर्जी होती है। अगर भूखे हैं और तीन चार बार दौड़ गए फिर ये दौड़ने लायक नहीं रहते। अब जैसे आपने चीता का देखा है कि चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है, लेकिन वो कितनी देर तेज दौड़ता है? एक मिनट। एक मिनट से ज्यादा वो तेज नहीं दौड़ सकता, बुरी तरह से हांफ जाता है, उसको हार्ट अटैक आने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। लेकिन जिस डियर का वो पीछा कर रहा है, हालांकि वो डियर उतना तेज नहीं दौड़ सकता है, लेकिन वो डियर लंबी देरी तक लंबी दूरी तक भी दौड़ सकता है, तो उसे थोड़ी देर बचना होता है। डियर को भी मालूम है कि भाई भाग ले, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर अगर मैंने इसको छका दिया, उस थोड़ी देर में वो दाएं दाएं जिगजैग भी कर लेता है। चीता जिगजैग नहीं कर पाता, करता है लेकिन स्पीड टूट जाती है। उस एक मिनट के अंदर जितना जिगजैग करेगा, अपनी पूंछ को झटका मारेगा। अगर आप डियर का, गजेल का पीछा करते हुए चीता की वो देखोगे आप, तो वो पूंछ को करेगा लेकिन उसकी स्पीड टूट जाएगी। और डियर के पास एक ऑप्शन होता है कुलांचे भरने का। कुलांचे आप समझ रहे हो, वो लंबी लंबी जो जंप करते हैं, वो क्यों करते हैं? एक तो स्पीड गेन करने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन वो अपना आत्मविश्वास दिखाने के लिए करते हैं। डियर जब भी कुलांचे भर रहा है मैदान में, उसे मालूम है कि मुझे कोई ना कोई प्रीडेटर देख रहा है, वो उसको दिखाने की कोशिश करता है कि देख भाई मेरे पास बहुत पावर है, मैं बहुत एक्टिव हूं, तू मेरे पास तो आना मत। तो ये इस तरीके से अपना आत्मविश्वास दिखाता है। और इसमें क्या होता है, फेरोमोन्स भी निकलते हैं इनकी बॉडी से, जो स्किन में ग्लैंड्स होती हैं उससे जो फेरोमोन्स निकलते हैं उससे सामने वाले के पास मैसेज चला जाता है कि भाई ये तो, एक मिनट को साइड दे दूं। दोस्तों हमने मोड़ ली शाहविला की तरफ, क्योंकि आज मैं गैरसैंण से गाड़ी चला के आया हूं, थका भी हूं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो फेरोमोन्स निकलते हैं वो क्या करते हैं, फेरोमोन्स क्या करते हैं, सामने वाले का एटीट्यूड डिसाइड करते हैं कि सामने वाले से उस डियर को कैसे बिहेव करना है। जैसे इसके फेरोमोन्स की स्मेल दूसरे ने सूंघी तो वो इससे कैसे बिहेव करेगा। अगर वो जान जाएगा कि ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, तो जाहिर सी बात है बड़े ही प्यार से अदब से पेश आएगा। तो वो फेरोमोन्स भी निकलते हैं इनके जंप करने से, कुलाचे भरने से। तो सिर्फ कार्निवोरस की लाइफ नहीं है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ होती है हर्बीवोरस की भी, अगर आप स्टडी करो तो। अभी एक बार फिर निकलेंगे तो मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी फिर दूंगा। दोस्तों ये हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में, आप जानते होंगे उनके, देसी अंग्रेज। ये हैं शाहनवाज जी, इनके चैनल का नाम है, क्या नाम है आपके चैनल का? ऑफ बीट वंडर। ऑफ बीट वंडर जी।
तो दोस्तों अभी शाहविला में थे तो ये लोग आए चुकम गांव की कुछ वीडियो वगैरह बना रहे थे, तो आए काफी अच्छी बातें हुई, बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। तो इनका तो एक वीडियो तो ज्यादातर लोगों ने देखा है, वाइल्ड लाइफ वालों ने, जो टाइगर घात लगा के बैठा था। तो अगर आपने इनका चैनल नहीं देखा है तो देखिए, देखा है तो देखते रहिए। तो इनका है देसी अंग्रेज और इनका है ऑफ बीट वांडरर। ये अवस्थी सर का ही एक मोटिवेशन है हम लोगों के लिए कि हम लोग इतना अच्छा कंटेंट रख पा रहे हैं। और अवस्थी सर कह रहे हैं कि जो दिखाओ वो ओरिजिनल होना चाहिए, फेक कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सर से सीखें और आगे बढ़ें और अच्छा अच्छा दिखाएं। इंस्पिरेशन तो सर ही की है जो हम आगे थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने की, वाइल्ड लाइफ के बारे में वीडियोज बनाने की, वो इंस्पिरेशन तो सर ही है। तो इसीलिए मिलने आए सर से। थैंक यू, अच्छा लगा बहुत, बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम दिया अवस्थी सर हम लोगों को। और सी यू अगेन। बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे आगे जरूर मुलाकात, जरूर जरूर। तो दोस्तों निकल पड़ा शाहविला से, जा रहा हूँ जंगली रिजॉर्ट। रास्ते में अभी वीरू क्या रुकूंगा, उसने नाश्ता बनाया हुआ है, कल जा नहीं पाया था, आज नाश्ता नहीं किया तो गुस्सा हो जाएगा, और इसलिए यहाँ दीपक बोला नाश्ता मैंने नहीं भाई, चाय के साथ बिस्किट दे दो, नाश्ता तो वीरू के यहाँ ही करूंगा। और वीरू के यहाँ दुबई से मेरे और वीरू के दोनों के सब्सक्राइबर है इवान जी, जिन्होंने सोलर सिस्टम लगवाया था, रुके वो शाहविला में ही है, तो वो बोल रहे थे कि मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा चलो वहीं मिल लेंगे। और अच्छा था, मतलब दो तीन सब्सक्राइबर से मुलाकात हो गई। एक डेविड जी आए हुए थे, वो बता रहे थे कि शाहविला का नंबर उनको मैंने ही दिया था इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मांगा होगा। और इवान जी दीपक से बोल रहे थे कि अवस्थी जी आ रहे हैं, तुमने बताया नहीं। दीपक बोला मुझे खुद नहीं मालूम था। तो मैंने कहा भाई मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं आ रहा हूं। मैं गया था रुद्रप्रयाग से गैरसैंण लखपत सिंह रावत जी का इंटरव्यू लेने, मेरा कॉर्बेट का कोई इरादा नहीं था, इरादा था चंपावत का, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार मैं वो रॉक बहुत दूर है, वहां पे ढूंढ शायद ना पाऊं अकेले, तो मैंने लखपत सिंह जी से पूछा, उन्होंने कहा आप मोहन का बना लो, मोहन ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि मोहन भी ढूंढना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अंसारी जी ने हेल्प करी मेरी, तो उन्होंने बताया। फिर करते करते अकेले गया, लेकिन जब भगवान चाहेंगे तो क्या नहीं होता, वो रॉक भी मिल गई, वो जगह भी मिल गई जहां पे जिम कॉर्बेट ने टाइग्रेस मारी थी। तो इस तरीके से सडनली मैं आया, बस मैंने दीपक को फोन किया भाई रूम है खाली, मैं आ रहा हूँ। बोला सर रूम तो है लेकिन आपका वाला रूम नहीं है, वो जो फ्रंट वाले रूम है ना। तो मैंने कहा बगल वाला। बोला सर वो भी लगा हुआ है। चलो कोई नहीं, पीछे। बोला हाँ पीछे वाला रूम है। तो इस बार इसीलिए मैं बालकनी से वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि बालकनी में कोई रुका था, पीछे से रास्ता है लेकिन किसी को क्या डिस्टर्ब करना। और वैसे भी छत पे तो जा सकते थे, लेकिन जब मैं ड्राइव पे निकल गया और शेड्यूल इतना बिजी रहता है, जब लौटा तो बड़ा थकावट होती है, जब गर्मी से लौटा तो थोड़ी देर सोया। इस तरीके से ट्रिप कंप्लीट हुआ, बड़ा अच्छा ट्रिप था, कई सारे काम हो गए इसमें। सबसे पहले रुद्रप्रयाग मैनीटर का वीडियो बन गया, फिर लखपत सिंह रावत जी का इंटरव्यू हो गया, फिर यहाँ नाइट ड्राइव की वीडियो भी बन गई, और यहाँ मोहन टाइग्रेस का पॉइंट भी देख लिया हमने। अब चलते हैं जंगली रिजॉर्ट, और क्योंकि वो वीडियो चल गया है, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर वो आपको पसंद आएगा तो फिर मैं उस बाड़े को बड़ा कर दूंगा, तो बाड़ा बड़ा होगा। अब मैं जाली खरीदवाता हूँ, उस बाड़े को बड़ा करता हूँ, अक्सर नाइट स्टे की कैंपिंग की वीडियो बनाऊंगा। और बहुत सारे गेस्ट आना चाहते हैं, उनको देख के उन्होंने बोला कि सर हम एक नाइट इसमें एक नाइट उसमें रुकना चाहते हैं। मैंने उनको आदर के साथ मना कर दिया, रीजन कि देखिए सेफ्टी के साथ कोई कंप्रोमाइज, आप खुद तो अपने आप को खतरे में डाल सकते हो, कुछ कर सकते हो, गेस्ट को नहीं, इसलिए गेस्ट का रुकना अलाउड नहीं है उसमें। हाँ जब मैं उसको परमानेंट बना दूंगा, एक टीन शेड बना के एक प्रॉपर ग्रिल का स्ट्रक्चर बना दूंगा और उसमें एक वॉशरूम भी बना दूंगा, फिर मैं गेस्ट के लिए अलाउ कर दूंगा, और वो मैं जल्दी करूंगा। जल्दी का मतलब बारिश के पहले तो मुश्किल ही दिख रहा है, बारिश एक महीने बाद ही है, देखता हूं कैसा मूड होता है क्या होता है, लेकिन करूंगा। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं कहता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। तो चिंता मत करो,
परमानेंट स्ट्रक्चर बनेगा। ये आ गया धनगढ़ी नाला, आवाज से आप पहचान ही गए होंगे, उबड़ खाबड़ जब हो गया था। बस इसके बाद आएगा पनौद नाला और फिर आएगा छोटा भीम मैगी पॉइंट। मुहान मैनीटर के आतंक के टाइम पे ये सारी झाड़ियां काटी गई थी क्योंकि बाइकर्स पे सडन अटैक कर रहा था, तो अभी भी साफ सफाई है, मेंटेन की जा रही है और अच्छा है, होना चाहिए, सेफ्टी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो इस साइड भी गैप है रोड से, दिख जाएगा अगर चार्ज करेगा तो दिख जाएगा आपको। इस साइड भी है, 8 टाइगर थे, 2 पकड़ लिए गए जो मैन ईटर थे, बाकी अभी मैन ईटर की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जानवर है क्या भरोसा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब देखो सामने बाइकर्स खड़े हुए हैं और इस इलाके में बिल्कुल झाड़ियों के पास है, ये थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि ठीक है आप लोग की संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस इलाके में ना ही रुको तो अच्छा है। अब यहाँ पे बोर्ड भी लगाया कि हाथी के कॉरिडोर में पार्किंग वर्जित है, तो इस जगह पे गाड़ी खड़ी करके अपना थोड़ा सा आगे रोक लो। लेकिन ये भी है कि उनको हो सकता है ना पता हो और उन्होंने बोर्ड ना देखा हो, ये भी हो सकता है। अभी आप कह सकते हो कि मैंने रोक के क्यों नहीं बताया, मैं अगर रोक के बताऊंगा ना तो वो समझेंगे कि ये कौन आ गया भाई साहब, ये अपने आप को 30 मार कहां समझ रहे हैं, तो उल्टा लोग ऑफेंडेड फील करते हैं जब उनको आप रोको। ये आ गया पनौत नाला जहां से वो टाइग्रेस पकड़ी गई यहां से, और यहीं से नफीस पे अटैक किया था इसी जगह पे, और बस पनौत नाला खत्म होते ही वीरू का ढाबा आ जाएगा। ये आ गया वीरू का ढाबा, अब बस नाश्ता करता हूँ वीरू से और इवान जी से मिलता हूँ और फिर चलता हूँ जंगली रिजॉर्ट। दोस्तों ये वीरू के आ गया था, नाश्ता किया अभी, और ये मैं इनको इवान जी बोल रहा हूँ लेकिन आईवन नाम है इनका, आईवन परेरा। ये मेरे और वीरू दोनों के सब्सक्राइबर है, इन्होंने सोलर सिस्टम भेजा था ना, तो ये आए हुए हैं। कितने दिन से आए हुए? वो आए हुए 3 दिन, अभी कल फिर से दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली से वापस। तो वैसे कहाँ, दुबई रहते हो आप? जी दुबई में हूँ लेकिन मुंबई का रहने वाला हूँ, लेकिन दुबई में रहता। अच्छा अच्छा, तो मतलब इंडिया ट्रिप कितने दिन का था आपका? ऑलमोस्ट 10 डेज का था। अच्छा 10 डेज, 10 डेज में मतलब आप 4-5 दिन यहाँ पे? हाँ जी, तो 3 दिन मुंबई में थे, दिल्ली 1 दिन, फिर यहाँ और फिर अभी। अरे तुम कहाँ आज लेके जाने वाले, बर्डिंग ट्रिप पे जा रहे हो? आज बर्डिंग, वो जो ढेला वाला जो रोड है, हाथी डंगर, तो वहाँ पे वल्चर का पूरा ग्रुप रहता है, तो आज उस तरफ, फिर उसके बाद हम सीता बनी वाला जंगल कवर करेंगे। अच्छा, और कुछ दिखा अभी, दिखा कुछ? सफारी में तो दिखा था। हाँ, सफारी में क्या दिखा था? टाइगर दिखा। टाइगर दिखा, कौन सी वाली पे? बिजरानी में। बिजरानी में दो एक्चुअली थे, लेकिन एक तो डर, मतलब शाये हुए थे तो अंदर ही थे, फिर वापस अंदर गए। अच्छा, एक ने क्रॉस किया तो एक अच्छा साइटिंग हुआ। चलो जी, तो चलिए फिर दोबारा आना, वीरू के तो आओगे, यही मुलाकात होगी क्योंकि मैं भी यही मिलता हूँ। ठीक है, चले ओके। दोस्तों आज मंडुए की रोटी बैगन का भरता बनवाया है, और ये गुरप्रीत जी ने अचार भेजा था, तो काफ़ी सारा इन्होंने ला दिया कटोरी में, इतना एक साथ नहीं खाऊंगा अभी। तो ये प्याज मिर्ची, तो देखता हूँ कैसा है, और अचार मैं अलग से ही ले लेता हूँ। ये आम का भी उन्होंने भेजा है, ये अचार मैं अलग से लेता हूँ, मिर्ची का भी इन्होंने भेजा है, मेरी फेवरेट है भरवा मिर्ची, लेकिन इसको काट के लेता हूँ, बहुत ज़्यादा है। बहुत ही बढ़िया अचार है।